जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे तब उनको पता चला कि उनकी बेटी बहुत बीमार है, वह किसी भी समय शरीर छोड़ सकती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट किया कि मेरी बच्ची बीमार है, मैं उससे मिलकर आना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 15 दिनों की छुट्टी मांगी। उनकी ईमानदारी की वजह से जेलर ने उनको 21 दिन की छुट्टी दे दी। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री घर गए, जाकर उन्होंने अपने बेटी को गले लगाए। बेटी उनको देखकर मुस्कुराई और उसके बाद उनकी बेटी ने शरीर छोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। फिर वापस लौटते वक्त वह अपनी पत्नी को बोले कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। उनकी पत्नी बोली, 21 दिन के लिए आए हो, कुछ दिन हमारे साथ रुक जाओ। गाँव वालों ने भी समझाया लेकिन शास्त्री जी नहीं माने, वो वापस जेल चले गए। जेलर बोला, आपको 21 दिन की छुट्टी दी गई है। तो शास्त्री जी बोले, आपने मुझे बेटी के लिए छुट्टी दे दी थी लेकिन बेटी ही नहीं रही, तो छुट्टी किस काम की। इतने ईमानदार थे लाल बहादुर शास्त्री जी।